एल्कीन में क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? बुजोन। इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, जिंक डस्ट एंड वाटर का यूज करते हैं। ओजोनोलिसिस क्यों बोल रहे हैं? क्या ऐड किया हमने इसमें? ऐड किया एल्कीन में। किसके प्रेजेंस में? अब ये क्या करता है, जहां डबल बॉन्ड है वहां पर ऐसा भाई ये हर्ट जैसा बना लेगा, झोपड़ी बना लेगा अपनी। ये बन गई, ये झोपड़ी बन गई इसकी, पहिए वाली। हाँ, पर इसको झोपड़ी नहीं बोल रहे हैं हम, इसको केक बोल रहे हैं। और ये केक के ऊपर ये चेरी लगी हुई, ठीक है? तो भाई ये केक में काट तो दूंगा लेकिन ये चेरी कोई नहीं खा सकता है। अब हमारे पास एक कंपाउंड मिला, कौन सा? CH2O। और दूसरा इधर का कंपाउंड भी कौन सा मिला? CH2O। पर ये CH2O नहीं लिखते, इसको क्या लिखते? SCHO। ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इससे हमें दो SCHO मिले। तो भाई ये चेरी बच गई, ये कौन खाएगा? ये खाएगा ये जिंक ले जाएगा इसको। अभी मैंने एक कंपाउंड ऐसा लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। भाई इसमें मुझे ओजोन ऐड करना है, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। क्या होगा इसमें? कहाँ ऐड होगा? ये डबल बॉन्ड के आसपास, जैसा मैंने बताया डबल बॉन्ड के आसपास ऐसा ऐसा बन जाएगा ये। अब ये वाला पार्ट अलग हो गया और ये वाला पार्ट अलग। इधर वाला क्या बन जाएगा? ये CH3CHO। और ये वाला कंपाउंड क्या बन जाएगा? HCHO। मतलब क्या मिला हमें? फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। अब प्राइमरी कार्बन की जगह मैं इसमें सेकेंडरी यूज करता हूं, सेकेंडरी कार्बन यूज किया इस तरह से मैंने, ऐसा कंपाउंड लिया और इसमें मैंने ओजोन ऐड किया। ये मैंने सेकेंडरी कार्बन लिया है, ये कार्बन दिख रहा है सेकेंडरी है, तो अल्काइल ग्रुप आ गया इसमें। अब इसमें अगर ओजोन ऐड करें ऐसा बनेगा, ये वाला पार्ट अलग, ये अलग किया तो ये क्या बन गया हमारे पास? CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या बना? मतलब कीटोन, एसीटोन बन गया या प्रोपेनॉन। लेकिन इधर वाला पार्ट क्या बनेगा? इधर वाला पार्ट क्या बनेगा हमारे पास? CH3 CHO। मतलब इससे कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बनाए जा सकते हैं। एल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल दैट इज CH3CHO एंड पेंटेन सीओन, पेंटेन सीओन। राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ ए हटा दिया हमने, और ये जो पोर्शन है इसके कार्बन से इस डबल बॉन्ड को जोड़ देना है। इससे बनाए क्या नाम हो गया इसका भाई? लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाए तो 1 2 3 4 5 3 इथाइल पेंटोइन